तो आज का हमारा टॉपिक है वायरलेस, जो कि हमारे ट्रांसमिशन मीडिया का सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप था हमारा वायर्ड कनेक्शन, गाइडेड मीडिया, बाउंडेड मीडिया। ये हमारा इसका फर्स्ट टाइप था, जिसमें हमने सभी प्रकार की केबल्स को कवर कर लिया था। आज हमारा सेकंड न्यू टॉपिक, न्यू पार्ट है वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन। अब ये होता क्या है, तो वो सारी चीज़ हम इसमें देख लेते हैं कि वायरलेस का मतलब होता है बिना तार के, जिसमें कोई भी तार यूज, जिसमें कोई भी केबल्स यूज नहीं की गई होगी। अर्थात बिना तार के, बिना वायर के, बिना केबल्स के, जब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डेटा को जिस मीडियम से ट्रांसमिशन करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। ये और उसी के अदर नाम से हैं अनगाइडेड मीडिया या अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया इज द वे टू ट्रांसमिट द डाटा विदाउट यूजिंग एनी केबल। जो अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया होता है, वह एक ऐसा वे होता है डेटा को ट्रांसमिशन करने का, जिसमें किसी भी केबल को यूज नहीं किया जाता है। अर्थात इस प्रकार की ट्रांसमिशन मीडिया में विदाउट केबल के डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, उस वे को हम क्या कहते हैं, अनवांटेड ट्रांसमिशन मीडिया। इन सच अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, ये एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है, देयर इज नो नीड ऑफ केबल्स। इसमें हमें किसी भी केबल्स या वायर की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। एक इस प्रकार का कम्युनिकेशन का मेथड, जिसमें डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए हमें किसी भी केबल्स की आवश्यकता नहीं होती है, इट इज कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। वह क्या कहलाता है, वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है। इज दैट क्लियर? नाउ ए डेज वायरलेस कम्युनिकेशन इज बिकम पॉपुलर। इन दिनों में जो हमारा कम्युनिकेशन किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। इसलिए आज के दौर पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन है। क्योंकि आप वायर को हर जगह कनेक्ट नहीं कर सकते, वायर को आप हर जगह लेके साथ में नहीं रख सकते। इसलिए हम आज के दौर पर सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो कौन सा करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन। इन्हीं कारणों से हमारा जो आज का ट्रांसमिशन मीडिया है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, वायरलेस कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर? इन कॉलेज एंड ऑफिस कैंपस वायरलेस लैन आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड। अर्थात जितनी भी हमारी कॉलेज हैं, ऑफिस हैं, कैंपस हैं, होम नेटवर्क है, जितने भी हमारे जो प्राइवेट नेटवर्क हम मोस्टली यूज करते हैं, उन सभी में लैन नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड है। अर्थात लैन नेटवर्क ही एक वायरलेस के रूप में कनेक्टेड है, और सबसे ज़्यादा वो यूज किया जा रहा है। क्लियर? तो ये तो थी हमारी इसकी डेफिनेशन कि वायरलेस मीडिया क्या होता है, बाउंडेड मीडिया, अनबाउंडेड मीडिया क्या होता है, अनगाउडेड मीडिया क्या होता है। तो आपको सीधी सिंपल डेफिनेशन लिखनी है कि एक ऐसा ट्रांसमिशन मीडियम, अर्थात अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया इज द वे टू ट्रांसमिट द डाटा विदाउट यूजिंग एनी केबल। अगर हम कोई भी डाटा विदाउट केबल के ट्रांसमिट करते हैं, तो वहाँ पर हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। वायरलेस और अनबाउंडेड मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया है, इसके अब टाइप्स देखते हैं। तो अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया आर द वे ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा विदाउट यूजिंग एनी केबल। ये पॉइंट हम ऊपर ही सीख चुके हैं, जो हमने अभी यहाँ पे सीखा था कि अनबाउंडेड मीडिया क्या होता है। एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें विदाउट केबल के हम डाटा ट्रांसफर करते हैं। दीज मीडिया आर नॉट बाउंडेड बाई द फिजिकली ज्योग्राफी।
जो इस प्रकार का हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है उसमें किसी प्रकार की वाउंडेड नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार का फिजिकल ज्योग्राफी कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसमें कैसा कनेक्शन होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, और दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, अर्थात जिसमें बाउंडेड नहीं होती, जिसमें फिजिकली ज्योग्राफी कनेक्शन नहीं होता, जिसमें कोई भी केबल का यूज नहीं किया जाता है, वो सभी हमारा कम्युनिकेशन किसके अंतर्गत आता है, वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। नाउ ए डेज वायरलेस कम्युनिकेशन इज बिकमिंग पॉपुलर। ये हम पॉइंट अभी यहाँ पे हमने सीख लिया है कि सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में प्रेजेंट में जो कम्युनिकेशन यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है हमारा, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। ये पॉइंट भी हमारा रिपीटेड हो गए हैं कि सबसे ज़्यादा इनका इंस्टॉलेशन कहाँ पर होता है, कैंपस में होता है, कॉलेज में होता है, होम नेटवर्क में होता है, प्राइवेट नेटवर्क में होता है, मोस्टली हम इनका यूज इन सारे जगहों पर करते हैं। इज दैट क्लियर? जहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें कि सर ये पॉइंट इसमें हमें समझ में नहीं आया, हम आपको उसको दोबारा समझाएंगे। अगर आ गया है तब भी कमेंट करें जिससे हम आगे की प्रोसेसिंग आपको बताएं। क्लियर? आप अपनी नोट्स वगैरह बनाते रहें, वैसे मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, तो आप इसको साथ ही साथ में जो विशेष पॉइंट होते हैं उनको नोट भी करते चला करें, ठीक है? क्या कभी कभार जैसे कोई पॉइंट मैं आपको क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग लिखा नहीं पाऊँ तो वो पॉइंट आपको यहाँ पर याद करने के लिए मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम इसके टाइप्स देखते हैं, और ये हमारे वायरलेस के टाइप्स हैं, कुछ ऐसे मीडियम्स हैं, कुछ ऐसे इसकी टेक्नोलॉजी हैं जिनके माध्यम से हम प्रेजेंट में अपना वायरलेस कम्युनिकेशन एक इंटरफेस बना सकते हैं, एक वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क बना सकते हैं, एक वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन कर सकती है। ये वो सारी टेक्नोलॉजी हैं जिन्हें हम वर्तमान में वायरलेस के रूप में यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए इसमें से ही हमारा एक टाइप्स होता है माइक्रोवेव्स, ये भी हमारी वेव्स होती हैं। आप मैं इनके टाइप्स स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ कि जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, अर्थात वायरलेस हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, तो उन दोनों में क्या होता है, किसी वायर के थ्रू कनेक्टिविटी तो होती नहीं है, तो किसके द्वारा होती है, वायरलेस के द्वारा होती है। तो इसमें जो डाटा जाता है वो हमारा वेव्स के फॉर्म में जाता है, किसके फॉर्म में जाता है, वेव्स के फॉर्म में जाता है। ये पॉइंट आप याद रखें कि वायरलेस में जो कम्युनिकेशन होता है वो वेव्स के रूप में होता है, अर्थात तरंगों के रूप में होता है, फ्रीक्वेंसी के रूप में होता है वायरलेस कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन। क्लियर? तो जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी होंगी उन सभी जो टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन हो रहा होगा वो किसके माध्यम से हो रहा होगा, वेव्स के माध्यम से हो रहा होगा। अब किस प्रकार की वेव्स होंगी वो हम इसके टाइप्स में देखते हैं। तो पहली हमारी वेव्स है माइक्रोवेव्स, सेकंड वेव्स हमारी रेडियो वेव्स, थर्ड वेव्स हमारी सैटेलाइट वेव्स, नेक्स्ट हमारी इंफ्रारेड वेव्स, ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स, लेज़र। ये सभी वो वेव्स हैं जो डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए एक वायरलेस इंटरफेस स्थापित करती हैं, एक वायरलेस नेटवर्क बनाने का काम करती हैं। इज दैट क्लियर? तो हमारी पहली वेव्स आती है माइक्रो वेव्स। अब माइक्रो वेव्स क्या होती है, इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं अभी। तो माइक्रो वेव्स की हम वर्किंग प्रोसेसिंग में देखेंगे, हमारा पहला पॉइंट है माइक्रो वेव सिग्नल आर यूज टू ट्रांसमिट डेटा इंस्टीड ऑफ केबल। जो हमारी माइक्रो वेव सिग्नल होते हैं वे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किए जाते हैं,
हिस्ट्री टॉप केवल विदाउट केवल के बिना या केवल की वजह विच आर सिमिलर टू रेडियो वेव्स एंड टेलीविजन सिग्नल। जो भी हमारी माइक्रोवेव्स होती हैं वो हमारी रेडियो वेव्स या जो हमारे टेलीविजन पर सिग्नल मिलते हैं सेम टू सेम उन्हीं की तरह यूज होते हैं। जैसे आप टीवी में देखते हो आपके ऊपर डिस्क लगी रहती है आपकी छत के ऊपर, वहाँ से आप सिग्नल कैप्चर करती है आपकी टीवी चलती है, तो जो आपके टीवी में सिग्नल आ रहे हैं वो सीरियल आप कहाँ से देख पा रहे हो, कहाँ से ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, तो वो कैसी है हमारी, वो टेलीविजन सिग्नल होते हैं, रेडियो वेव्स भी होती हैं, तो उसी प्रकार की हमारी वेव्स होती है माइक्रोवेव्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता हमारा एंड आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, और इसका अधिकतर यूज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर रिसीवर और एटमोस्फियर। जो हमारा माइक्रोवेव्स के माध्यम से डेटा कम्युनिकेशन किया जाता है या डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है उसमें हमें ट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है। ट्रांसमीटर क्या करता है? डेटा को सेंड करने का काम करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। और सेकंड पॉइंट आता है हमारा रिसीवर। रिसीवर क्या काम करता है? जो ट्रांसमीटर के द्वारा डेटा सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया गया है उनको रिसीव करेगा। क्लियर? तो हमारे जो माइक्रोवेव्स में ट्रांसमिट होते हैं डाटा ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन होता है उसमें पहले ट्रांसमीटर होना चाहिए जो डेटा को ट्रांसमिट करेगा, दूसरा हमारे पास रिसीवर होना चाहिए जो उन डेटा सिग्नल्स को रिसीव करेगा, और थर्ड पॉइंट आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एटमॉस्फियर। चलिए आप हमें बताइए कमेंट करके कि इस प्रकार के कम्युनिकेशन में एटमॉस्फियर का क्या काम होता है। आपके पास 10 सेकंड हैं कमेंट करने के लिए, आप हमें बताएं कमेंट करके कि एटमॉस्फियर का इस प्रकार के कम्युनिकेशन में क्या रोल होता है। चलिए प्रिया जी बताइए आप, एटमॉस्फियर का इस प्रकार के कम्युनिकेशन में क्या यूज होता है? चलिए आपके पास 5 सेकंड बचे हैं, जल्दी से बताएं। अकृति, चलिए कोमल, एटमॉस्फेयर का हमारे जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें उसका क्या रोल रहता है? नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान के चलो जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो हवा में ट्रांसमिट होते हैं। जैसे आप अपने टेलीफोन से बात कर रहे हो, कोई दूसरा टेलीफोन से बात कर रहा है। क्लियर? आपने कभी देखा होगा अगर आप कूलर के सामने बैठ के किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं पहुंचती, वहाँ पर कट कट के आवाज़ जाती है, ये आपने कई बार नोटिस किया होगा। दूसरी बात, अगर आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं अगर तेज़ हवा चलती है तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, नेटवर्क क्लियर नहीं आएंगे, या तेज़ बारिश होती है तब भी ये सारी चीज़ें होती है। तो होता क्या है, हमारे जो डेटा सिग्नल्स होते हैं वो वायर्ड तो होते नहीं है, फिर कैसे होते हैं? वायरलेस होते हैं। तो वायरलेस होते हैं तो उनका हवा में एक रूट बन जाता है, सॉरी जो एटमॉस्फेयर में एक रूट बन जाता है। तो जब तेज हवा चलती है या तेज बारिश होती है तो जो डेटा सिग्नल्स होते हैं वो अपने वे से अपने रास्ते से अपने पाथ से भटक जाते हैं। भटक जाते हैं तो हमें कम ज्यादा मिलते हैं, कम मिलते हैं कभी ज्यादा मिलते हैं, कभी कम मिलते हैं कभी ज्यादा मिलते हैं। तो हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है ना उसमें मेन रोल हमारे एटमॉस्फियर का होता है। अगर एटमॉस्फियर सही नहीं होगा तो कम्युनिकेशन सही नहीं कर सकते आप। जैसे आप चलती हुई बाइक पर कम्युनिकेशन करोगे तो सामने वाले को आवाज़ सही सुनाई नहीं देगी, आपको भी सही आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। उड़ जाते हैं तो सामने वाले रिसीवर के पास सही तरीके से वो सिग्नल्स को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो आप विशेषकर इसको नोट भी कर सकते हो, याद भी रखें कि जो भी हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है
उसमें मेन रोल हमारे एटमॉस्फियर का होता है। इज दैट क्लियर? चलिए हमारा फोर्थ पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं। दिस ट्रांसमिशन इज ऑल्सो नोन एज लाइट ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। इस प्रकार का जो हमारा ट्रांसमिशन होता है वो लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात उसी का एक दूसरा नाम है लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। अर्थात जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, जो ट्रांसमिशन होते हैं, वो एक लाइन के जैसे ट्रांसमिट होते रहते हैं। अर्थात एक इनमें मैग्नेटिक सी वेव्स पाई जाती हैं जो एक दूसरे को खींचती हुई ले जाती हैं। तो ये हमारा किस प्रकार का कहलाता है? लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। और द ट्रांसमिशन स्टेशन मस्ट बी इन विजुअल कॉन्टैक्ट विद द रिसीवर स्टेशन। तो जो भी हमारा ट्रांसमिशन स्टेशन होता है वो इन विजुअल कॉन्टैक्ट में रहता है रिसीवर स्टेशन के लिए। अर्थात जैसे आपने किसी से के लिए कॉल लगाया, आप उससे कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आपको उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो इन विजुअल होते हैं, अर्थात आपको दिखाई नहीं देते हैं आते हुए, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से रिसीवर स्टेशन पर प्राप्त होते हैं। जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो उसी के माध्यम से रिसीवर उनको अपने स्टेशन पर रिसीव करता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा पैराबोलिक है, पैराबोलिक एंटीना। पैराबोलिक एंटीनाज आर माउंटेड ऑन टावर्स टू सेंड ए बीम टू अदर एंटीना आर अवे फॉर फार अवे। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि पैराबोलिक एंटीनाज आर माउंटेड ऑन टावर्स टू सेंड ए बीम टू अदर एंटीनाज फार अवे। इस तरीके को हम ऐसे समझते हैं, ये आपके घर की डिस्क है। क्या होती है डिस्क? इस डिस्क से सिग्नल गए इस एंटीना वाले को। क्लियर? इस एंटीना ने दूसरे मतलब टावर को भेज दिए, तो ये क्या हो रहा है? और ऐसे ही ये रिसीव किए जाते हैं। अर्थात एक हमारा टावर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर जितने भी हमारे जो भी डेटा को रिसीवर करने वाले होंगे वो सब यहाँ पर लगे होंगे। इस टावर से हमारे जो एरिया हो रही है वो पूरी कवर एरिया हो रही होगी। फिर इसी सिग्नल्स को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, दूसरा टावर कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या होता है कि एक टावर से दूसरे टावर पर डेटा सिग्नल को भेज भेज कर एक लॉन्ग डिस्टेंस तक बना लेती है। आपने देखा होगा चाहे मुरैना, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे कोई भी एरिया हो, वहां पर थोड़ी दूरी बाद कुछ टावर खड़ी रहती है। उन टावर से क्या होता है, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं एक टावर से दूसरे टावर पर ट्रांसमिट किए जाते हैं, दूसरा टावर तीसरे टावर को ट्रांसमिट करता है, और वहाँ से हमारे जो डिवाइस होते हैं जैसे हमारी ये डिस्क थी या हमारा मोबाइल था, उनको क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है, और रिसीव करके हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, इसलिए ये टावर लगाई जाती है। और पैराबोलिक एंटीना ही टावर को कहते हैं। जैसे आपकी डिस्क लगी हुई है वो भी क्या है, पैराबोलिक एंटीना होता है। क्लियर? अब इनमें हम रिपीटर क्यों लगाते हैं? रिपीटर क्या काम करते हैं, जब कोई चीज लंबी दूरी के लिए ट्रांसमिट की जाती है तो वो सिग्नल वीक हो जाती है, अर्थात कमजोर हो जाते हैं, फिर कभी कम आते हैं कभी ज्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं कभी ज्यादा आते हैं। तो रिपीटर क्या काम करता है, उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का काम करता है, उन सिग्नल्स को रिजनरेट करने का काम करता है, उन सिग्नल्स को रिपीट करने का काम करता है। अर्थात जो हमारे सिग्नल ट्रांसमिट किए गए थे वो उन सिग्नल्स को रिसीव करके दोबारा से सेंड करने का काम करता है। तो फिर क्या हो जाते हैं, वो जितनी स्पीड से हमें प्राप्त हुए थे उतनी स्पीड से दोबारा आगे फॉरवर्ड कर दिए। तो इससे क्या होता है, सिग्नल एक जैसे मिलते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप 100 किलोमीटर को आपको पैदल चलना है, तो आप कंटिन्यू नहीं चल सकते,
1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप सही चलोगे, उसके बाद आपके सिग्नल कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, अर्थात आप में वीकनेस होने लगेगी। तो आपको क्या लगेगा, अब थोड़ा रिलैक्स कर लें फिर चलें। तो ऐसे ही क्या होता है, सिग्नल्स में जब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट किए जाते हैं तो सिग्नल वीक हो जाते हैं, और उन वीक सिग्नल्स को दोबारा रिफ्रेश करने के लिए, दोबारा सेंड करने के लिए, फिर से एम्पलीफाई करने के लिए क्या लगा देते हैं, हम रिपीटर लगा देते हैं, जिससे सिग्नल हमेशा एक जैसी हाई स्पीड में हमें प्राप्त होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपको कोई पॉइंट में प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके हम देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती है। तो पहला हमारा इसका एडवांटेज है, चीपर देन द केबलिंग सिस्टम, जो हम केबल लेके आते हैं उससे ये हमें सस्ता पड़ता है। जैसे आप अपने मोबाइल में आपने 100 रुपये का, 200 रुपये का, जितने का भी आपने नेट फ्री करा लिया, तो वो हमें केबल से सस्ता पड़ा, क्योंकि हम केबल लेके आते हैं, फिर उसकी मेंटेनेंस करते हैं, फिर उसका इंस्टॉलेशन देखते हैं, फिर उसको मैनेज करना है। तो ये सारा हमारा केबलिंग सिस्टम होता है वो हमारा वाईफाई से हमेशा कॉस्टली होता है। तो जो हमारा जिसका एडवांटेज होता है वायरलेस कम्युनिकेशन में, वो हमारा केबल की अपेक्षा कैसा होता है, एक चीपर होता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा एबिलिटी टू कम्युनिकेशन ओवर ऑफ क्यू, जो हमारे समुद्र वगैरह होते हैं, जो हमारी ऐसी एरिया होती है जहाँ पर पानी होता है, बहुत सारा जलाशय वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी ये हमें कम्युनिकेशन करने की फैसिलिटी देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। आपने देखा होगा कि हम कहीं भी हैं, हम कहीं भी वायरलेस कम्युनिकेशन से बात कर सकते हैं, हम बीच नदी में खड़े हैं तब भी बात कर सकते हैं, हम कहीं तालाब में घूम रहे हैं तब भी बात कर सकते हैं, लेकिन केबलिंग सिस्टम में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, क्योंकि आप जैसे नदी में, आप बीच नदी में स्टीमर पर खड़े हुए हो तो वहाँ पर आप केबल कहाँ से लेके आओगे, लेकिन आप अपने वायरलेस मोबाइल से बात कर सकते हैं किसी से भी, आप अपने वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकती हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर सकती हैं। तो ये क्या होता है, एक हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी भी देता है जहाँ हम पानी जैसी एरिया में भी अपना डेटा से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लो कॉस्ट लैंड परचेस, ईच टावर ऑक्यूप स्मॉल एरिया। इसके लिए क्या होता है, हमें जो अपना लैंड मतलब होती है जमीन जो परचेस करनी होती है, वो लो कॉस्ट में मिल जाती है। लो कॉस्ट में क्यों मिल जाती है, क्योंकि हमें छोटी सी एरिया में उसको खड़ा कर देते हैं। आपने देखा होगा जितने भी टावर लगे हैं, बहुत सारे लोगों की छत पे लगे हुए हैं, तो छत पे छोटी सी किचन जैसी एरिया में ही वो खड़ा कर देते हैं, टावर खड़ा हो जाता है, तो उनको वहां पर ज्यादा लैंड का परचेस करने की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती। पहले तो ये भी था कि जमीन पर लगाते थे तो उन्हें एक फिर भी एरिया खरीदनी पड़ती, अब तो वो किसी की भी छत पर लगा देते हैं, तो उनको क्या स्मॉल एरिया रहती है, तो ज्यादा उनको परचेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए ये हमारा पॉइंट कैसा हो जाता है, लो कॉस्ट लैंड परचेस ईच टावर ऑक्यूप स्मॉल एरिया, हमेशा वो छोटी सी एरिया में ही खड़ा कर देती है। आपने अपने गली मोहल्ले में भी देखा होगा, वो किसी की भी छत पर टावर लगा होगा, तो वही हमारा क्या होता है, एक स्मॉल एरिया हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा दे कैन कैरी हाई क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू देयर हाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी हमारे सॉफ्टवेयर की, जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, उसके दौरान हम एक हाई क्वांटिटी में एक इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास जो हाई क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जो हाई क्वांटिटीज ऑफ डेटा होता है, उसे हम हाई फ्रीक्वेंसी के माध्यम से किसी को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? फिफ्थ पॉइंट आता है हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट वेवलेंथ सिग्नल आर रिक्वायर्ड स्मॉल एंटीना। जो भी हमारे स्मॉल एंटीना होते हैं उसमें हमेशा एक छोटी वेवलेंथ यूज की जाती है, लेकिन वो वेवलेंथ एक हाई फ्रीक्वेंसी में होती है। क्लियर? तो जो हमारी वेवलेंथ होती है वो भले ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हो, लेकिन उनकी जो स्पीड होती है
वो कैसी होती है, एक हाई फ्रीक्वेंसी के रूप में होती है। क्लियर? अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चलिए कमेंट करके बताइए। मैं जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड है, आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन में। जल्दी से कमेंट करें। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चलिए, आप तक मेरी शायद आवाज पता ही पहुंच रही है कि नहीं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारा एक डाटा होता है जिसके माध्यम से जाता है, अर्थात जो हमारी वेव्स होती हैं, जो डाटा को लेके जा रही हैं, जो किस तरीके से डाटा जा रहा है उसको बताने का हम फ्रीक्वेंसी करती है। अर्थात हमारा जो डाटा है वो किसके रूप में होता है, वेव्स के रूप में होता है, और वेव्स किसके रूप में होती हैं, फ्रीक्वेंसी के रूप में होती हैं। क्लियर? समझ में आ गया? जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, वो वेव्स का ही एक रूप होता है जिसके माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। क्लियर? चलिए हम अब डिसएडवांटेज देखते हैं इसके। पहला होता है इनस्क्वायर कम्युनिकेशन, मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसमें ज़्यादा स्क्वायर नहीं होता है। जैसे अभी आपने देखा था कि अभी हमारा जूम का जो नेटवर्क था वो कुछ समय के लिए फेल्ड हो गया। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन में क्या होता है, मौसम खराब होने की वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो फेल्ड होने की भी अधिक चांस रहती है। दूसरा आता है हमारा पॉइंट ससेप्टिबल टू वेदर इफेक्ट। जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उस पर वेदर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है, लाइक रेन, अगर तेज बारिश होती है, स्नो, अगर कोई भी हमारे बर्फ वगैरह गिरती है, या कोहरा वगैरह होता है, या मौसम साफ नहीं होता है, या अदर ऑब्जेक्ट लाइक बर्ड्स ईटीसी। तो जो भी हमारा एटमॉस्फियर होता है, अगर हमारा एटमॉस्फियर सही नहीं है, अगर हमारा एटमॉस्फियर में डेटा सही तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है उसके फेल्ड होने के चांस रहते हैं। उसमें जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसमें डिस्टरबेंस के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी सिग्नल आपको मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे। तो वायरलेस में एक चीज़ और होती है कि अगर आप किसी से कनेक्ट करके कम्युनिकेशन कर रहे हो तो अगर उसमें 1 सेकंड के लिए भी अगर हमारे सिग्नल हमें अगर हमारे सर्वर सिग्नल या नहीं मिलते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन वहाँ पर रुक जाता है और दोबारा से रिकनेक्ट होकर स्टार्ट होता है, जो कि अभी हमारे साथ जूम नेटवर्क पर हुआ था। इज दैट क्लियर? चलिए थर्ड पॉइंट आता है हमारा रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्लैट सरफेस लाइक वाटर एंड मेटल। अगर हमारी चारों तरफ से एक ऐसी एरिया है जो सरफेस जैसे वाटर की है, मेटल है चारों तरफ, तो उसमें हमारे सिग्नल के रिफ्लेक्टेड होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं चलता है। अगर हमारी हाई फ्रीक्वेंसी है, अगर हमारी जो वेव लेंथ है वो हमेशा हाई बैंडविड्थ में यूज की जा रही है, तो हमें इन सरफेसों का भी कोई ज़्यादा माइनर इफेक्ट पड़ता है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा रिफ्रैक्टेड बाई एटमोसफियर दोज कॉजिंग बीम टू बी प्रोजेक्टेड अवे फ्रॉम रिसीवर। ये वही पॉइंट है जो हमने अभी हमने इसमें वेदर में या एटमोसफियर में सीखा था। तो रिफ्रैक्टेड बाई द एटमोसफियर दिस कॉजिंग बीम टू बी प्रोटेक्टेड अवे फ्रॉम द रिसीवर। जो रिसीवर के लिए हमारी जो बीम्स भेजी जाती हैं तो उनका मेन कारण क्या रहता है, रिफ्रैक्टेड बाई द एटमोसफियर, जो मैं आपको बहुत ही अच्छे से ऊपर समझा चुका हूँ। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा द कोड ऑफ डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेशन ए हाई। तो जो भी हमारी इसकी कोडिंग रहती है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, एंड मेंटेनेंस इज हाई होना चाहिए। अर्थात जो भी हम वायरलेस डिवाइस यूज कर रहे हैं वो थोड़ा एक हाई क्वालिटी का होना चाहिए, उसके जो भी उसमें है फीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी हम उसका हमारा कम्युनिकेशन सही हो पाता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमने आज अपनी कंप्लीट कर ली माइक्रोवेव्स,
और हमारा इसी के साथ सेकंड टॉपिक जिसका नाम था वायरलेस कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है, और उसका हमने पहली बेस पढ़ ली, माइक्रोवेव्स। क्लियर। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें हम देखेंगे रेडियो वेव्स, अदर भी वेव्स होती हैं उनको भी कवर कर लेंगे, और कल कोशिश करेंगे कि कल अगर जितना हो सके हम अपनी वेव्स को कंट्रोल कर लें, फिनिश होने को पॉइंट हो जाए, जिससे हम अपने क्वेश्चन आंसर को भी देख सकें। तो अगर आपको आज के किसी भी टॉपिक में, आज के किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने अदर अन्य साथियों को भी इस वीडियो को ट्रांसफर कर दें, ट्रांसमिट कर दें, जिससे उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे और वो भी अपने इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट टॉपिक रेडियो वेव्स के बारे में।